It was a starry affair when popular faces from the silver screen attended the Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2018 with Smile Foundation that was held at the St. Andrews Auditorium, Bandra, Mumbai. Shahid Kapoor received the Best Actor Male Award. Shilpa Shetty Kundra, who arrived in style, was awarded with the Best Reality Show Judge Award. Karan Johar, who was awarded the Best Talk Show Host Award at the ceremony, also bonded with Shahid while the latter was interacting with the media. Sonu Ke Tittu Ki Sweetie actor Karthik Aryan rightly won the Entertainer of the Year Award. Aditi Rao Hydri won the Best Actress Critics Award. Kriti Sanon won the Outstanding Performance Female Award. Not only Kriti, even Tamanna Bhatia shared the award at the Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2018. Rajkumar Rao won the award for Outstanding Performance Male. Ahana Kumra was awarded the Promising Face of the Year Award. Tushar Kapoor won the Best Comic Role Award, while Simi Gerewal, who was in the news for supporting Salman Khan over the Black Buck case, received the Lifetime Achievement Award. T-Series head honcho Divya Khosla Kumar bagged Best Performance in a Short Film Award. Now, let's listen to what all the stars said at the Dadasaheb Phalke Excellence Awards 2018. खुशी है कि मेरे काम को appreciate किया गया है, लेकिन कोई भी काम को successful होने के लिए उसके जो हार्ट में जो चीज़ होती है वो टीमवर्क होती है. तो मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय मैं नहीं ले सकती. आई थिंक इट शुड गो टू द एंटायर टीम ऑफ सुपर डांसर, जो बच्चे हैं जिनका टैलेंट इतना इनक्रेडिबल है. दैट्स व्हाट्स मेड द शो सक्सेसफुल एंड या एंड दैट्स व्हाट्स मेड मी सक्सेसफुल. दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड फॉर बरेली की बर्फी, सो इट्स इवन मोर स्पेशल. आई थिंक दिस पर्टिकुलर फिल्म हैज़ बीन वेरी स्पेशल फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो आई एम really excited and honored. ये पहला अवार्ड है इस साल का जो पद्मावत की तरफ मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ. बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है मेरे करियर में, और ये अवार्ड मैं अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे एक साल झेला नहीं होता तो मैं ये फिल्म नहीं कर पाता. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू रिसीव इट फॉर द एंटायर टीम ऑफ पद्मावत एंड यस आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत अच्छा लग रहा है. काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, दादासाहेब फाल्के अवार्ड्स है, एंड मैं थैंकफुल हूँ पूरी टीम को जिन्होंने ये समझा कि मैं बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर हूँ. आई एम रियली हैप्पी विद द सक्सेस, द काइंड ऑफ सक्सेस सोनू के टीटू की स्वीटी सॉ एंड परफॉर्मेंस को जितना लोगों ने पसंद किया है, आई एम रियली हैप्पी. अवार्ड्स को मैं इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ यूजुअली, मैं आता भी नहीं हूँ. कभी कभी आता हूँ रिलेशनशिप्स के लिए या फिर टू प्रेजेंट एन अवार्ड, लेकिन इतना अहमियत देता नहीं हूँ. बट when it's named Dadasaheb Phalke Excellence Award, it makes you feel like you really really you know have been appreciated. तो गोलमाल के लिए जब भी मुझे ऐसी अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत खुशी होती है. खासकर अभी चार फिल्में हो गई हैं गोलमाल की, तो चौथी वाली के लिए भी अगर मुझे नोटिस किया गया तो ऐसा लगता है कि हाँ, आज भी एक कैरेक्टर जीवित है, लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं. न्यूटन इज अ फिल्म दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ. वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ. अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग. एक फिल्म जो हमने इतनी ऑनेस्टी से बनाई थी और इतने प्यार से बनाई थी, उसको इतना ज़्यादा प्रोत्साहन, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है पूरी दुनिया से. सो या इट ऑलवेज फील्स ग्रेट. आई एम रियली हैप्पी. इट्स अ बिग ऑनर एंड इट्स अ वेरी स्पेशल अवार्ड. एंड ऑल्सो आज ही ये न्यूज़ आई है, यूनियन कैबिनेट इज टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट द हार्शेस्ट पनिशमेंट विल बी गिवन टू rapists and people who commit heinous crimes against girls. So I think that's a victory for every Bhumi and every girl and her parents in this country. So I think it's a great day to get this news and happy. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मुझे ये अवार्ड मुंबई में मिल रहा है. मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और काफ़ी सारी साउथ इंडियन फिल्म्स की है मैंने, एंड एक हमेशा एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है कि मैं मुंबई से हूँ कि साउथ से हूँ कि कहाँ से हूँ.
So feels really proud to take an award in my hometown and such a big and honorable award. I would like to thank the Dadasaheb Phalke Excellence Awards for this honor and for my short film Bulbul. And it's such a prestigious award because Dadasaheb Phalke was the father of Indian cinema, and jo bhi aap cinema aaj bani hai, you know, unki badolat hum yahan tak pahunche hain. So I'm sure he would be very, very proud of this industry, and I feel it's the most beautiful industry in the world. Aur main bahut proud feel karti hun ki main itni achhi industry ke saath judi hui hun in the capacity of an actor, director or producer.